सवाल आप सबसे एक ही है कि क्या प्रधानमंत्री बनाम अखिलेश यादव जो हो रहा है इस समय यूपी में, उसमें कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, क्या आप इसको समझते हैं, देखते हैं, और क्या योगी जी का चेहरा कमजोर हो रहा है? नहीं, योगी जी बिल्कुल हमारे कमजोर नहीं है, ना मोदी जी बनाम अखिलेश हो रहा है। मोदी जी विश्व के नेता हैं, अखिलेश दो चार जिलों के नेता हैं, इसलिए हम इसको मोदी बनाम अखिलेश नहीं मानते हैं। रात दिन आप उम्मीद के चरागों को जलाए रखिए, यूपी चरागों से नहीं अब अखिलेश से रोशन होगा और ये पुष्टि हो चुकी है। मैडम सबसे पहले तो मैं चाचा जी को ये बताऊंगा, दो चार जिले नहीं 75 जिले हैं और 75 जिलों का वो राजा है और दोबारा राजा बन के आएगा। अखिलेश तो पूरा लड़ाई है अखिलेश बनाम जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सपा बनाम कांग्रेस है और कांग्रेस बहुत तेजी से आएगी। सदन में हमारी संख्या सबसे कम है लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाली सिर्फ कांग्रेसी पार्टी। राहुल गांधी जिंदाबाद, बिल्कुल फेल हो चुके हैं, इसलिए मोदी जी को आके प्रपंच करना पड़ रहा है और ये औरंगजेब की सरकार है। बड़े अफसोस साथ कहना पड़ रहा है कि जात और धर्म के नाम पर हमारे देश को लड़ाया जा रहा है और उसके नाम पे, ना कि विकास के नाम पे। कि क्या ये प्रधानमंत्री बनाम अखिलेश यादव है? योगी जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत में बाहर है। योगी जी लड़ाई के बारे में हर मोर्चे पर विफल हैं, चाहे जो भी मुद्दे हों उसमें सारे मोर्चों पर विफल। बीजेपी वालों को राम राम सुनाई दे। बहुत लंबा समय नहीं बचा है, आएंगे तो दूध का दूध और पानी का बाबा ही आएंगे फिर। 70-30 का अंतर है, बाबा का कोई जोड़ नहीं है, बाबा जी का कोई जोड़ नहीं है। हम ये कहेंगे अखिलेश यादव की सरकार आ रही है और 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनी। जिस प्रकार अमेठी में विकास हुआ, बनी स्टेशन गौरीगंज स्टेशन, अमेठी स्टेशन, जिस तरह सामुदायिक जिस प्रकार से सुधन्या कन्या खाता योजना के अंतर्गत जिस प्रकार महिलाओं का सम्मान हुआ है, प्रदेश में योगी बाबा ही आएंगे। आवास हो, कॉलोनी हो, कोई अन्य राम राम भक्तों पर राम भक्त 46% के बाद 54% जनता बसती है। ABP News, आपको रखे आगे।